नमस्कार, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। फेसबुक पोस्ट को लेकर बेंगलुरु में भड़की हिंसा, पुलिस फायरिंग में 3 की मौत, 60 पुलिसकर्मी जख्मी। पूर्वी बेंगलुरु में मंगलवार 11 अगस्त की रात एक फेसबुक पोस्ट को लेकर हिंसा भड़क गई। माहौल को काबू में करने के लिए पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़ और फायरिंग की। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बताया कि पूर्वी बेंगलोर के डीजे हिली इलाके में पुलिस की फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 60 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। डीजे हली और केजे हली थाना क्षेत्रों में गुरुवार के सुबह तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि खुद को विधायक का रिश्तेदार बताने वाले आरोपी ने कथित रूप से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, जिससे एक समुदाय के लोग भड़क उठे। जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सेनेटर कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बाइडेन ने घोषणा की है कि भारतीय मूल की कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। 51 साल की कमला हैरिस कैलिफोर्निया से अमेरिकी सेनेट में हैं। सेनेट में चुनी जाने वाली वह प्रांत की पहली अश्वेत व एशियाई सदस्य है। कमला की माँ चेन्नई से है और पिता जमैका के रहने वाले हैं। कैलिफोर्निया की सेनेटर कमला हैरिस एक समय डेमोक्रेट्स की ओर से बाइडेन को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनौती दे रही थी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव इसी साल नवंबर में होने हैं। अब डेमोक्रेट्स पार्टी की तरफ से जो बाइडेन रिपब्लिकन उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देंगे। HAL से वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे 106 बेसिक ट्रेनर विमान, रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है। ये विमान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HAL से खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार 11 अगस्त को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देते हुए कुल 8,722 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। बेसिक ट्रेनर वे विमान होते हैं जिसमें पायलट शुरुआती परीक्षण हासिल करते हैं। पहले चरण में 70 BTA खरीदे जाएंगे तथा वायुसेना में इनके बेड़े का संचालन शुरू होने के बाद 36 और विमानों की खरीद की जाएगी। गिरती GDP को लेकर राहुल गांधी ने कसा तंज, मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी इन दिनों आर्थिक नीतियों को लेकर मोदी सरकार पर खासे आक्रामक नजर आ रहे हैं। बुधवार 12 अगस्त को एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। राहुल गांधी ने इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति के एक बयान का हवाला देते हुए तंजात्मक लहजे में BJP के नारे मोदी है तो मुमकिन है को दोहराया है। बता दें कि एन नारायण मूर्ति ने आशंका जताई कि कोरोना वायरस के चलते इस वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक गति आजादी के बाद सबसे खराब स्थिति में होगी। संजय दत्त को हुआ कैंसर, अमेरिका में कराएंगे इलाज। इस साल लगातार झटके झेल रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक और बुरी खबर आई है। फिल्म स्टार संजय दत्त को लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है। इस मामले पर जहां संजय दत्त की फैमिली ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, हालांकि खुद संजीव बाबा ने काम से कुछ दिनों की छुट्टी लेने का ऐलान किया है। बता दें कि संजय दत्त सांस लेने में तकलीफ होने के बाद शनिवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। संजय ने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी कर काम से छुट्टी लेने का ऐलान कर दिया है। संजय ने लिखा कि दोस्तों, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण काम से छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। सपुर्दे खाक हुए मशहूर शायर राहत तंदूरी, हार्ट अटैक से हुआ निधन। मशहूर शायर राहत तंदूरी को सपुर्दे खाक कर दिया गया है। उनको दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार 11 अगस्त को निधन हो गया। राहत तंदूरी के निधन पर कई बड़ी हस्तियों ने भी शोक जताया है। राहत तंदूरी ने खुद भी कोरोना संक्रमित होने की जानकारी ट्विटर के जरिए साझा की थी। गौरतलब है कि राहत तंदूरी मशहूर शायर रहे हैं, साथ ही वे बॉलीवुड के लिए भी गाने लिखते रहे हैं। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।